एमसीडी चुनाव में फिलहाल हम पांडव नगर में हैं, जहां यशपाल जी की जीत हुई है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और आप देख सकते हैं कि जश्न लगातार जारी है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, यशपाल जी खुद मेरे साथ हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो इस जीत पर क्या कहेंगे। यशपाल जी, सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे इस जीत पर? क्या ये कार्यकर्ताओं की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है और जो आम आदमी पार्टी जो झूठ फैला रही है दिल्ली में, ये उसकी हार है, मनीष सिसोदिया की हार है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल कि किस तरीके से अब आप काम करेंगे आगे, किस तरीके के कामकाज होंगे आपके? देखिए, पिछले 5 सालों में ईडीएमसी को केजरीवाल सरकार ने परेशान करके रखा हुआ था, अब गृह मंत्रालय ने पूरी एमसीडी को एक कर दिया है। हमारे को फंड मिलेगा, जो हमारी गलियां नालियां सड़कें टूटी हुई है, जो पार्क थोड़ा बदहाल स्थिति में, हम उसके लिए काम करेंगे। क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर आरडब्ल्यूएस को साथ लेकर काम करेंगे। जो केजरीवाल आपको लगातार चुनौती दे रहे थे, आप किस तरीके से जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल, आप मेरी सीट पे देखिए, मनीष सिसोदिया का भतीजा लड़ रहा था और 15 दिन से मनीष सिसोदिया जी 15 दिनों से यहीं पर बैठे हुए थे। ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये हमने मनीष सिसोदिया को इस सीट से कार्यकर्ताओं ने हमारे हराया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी विजय है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम की विजय है। नेक टू नेक मुकाबला था, कांटे की टक्कर थी, लेकिन बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि मेयर जो है वो उनका ही चुना जाएगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल चुना जाएगा, अभी आप देखना शाम तक रिजल्ट आएंगे तो हमारी 125 सीटें क्रॉस होगी और मेयर हमारा चुना जाएगा। और ये धनबल के खिलाफ जो है कार्यकर्ताओं की आवाज थी, हम धनबल के विरुद्ध में चुनाव जीते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि बीजेपी पर मोहर क्यों लगाई गई है और आम आदमी पार्टी को क्यों नकारा गया है? आम आदमी पार्टी झूठ की पार्टी है। पंजाब में सरकार आने के बाद आप देखिए, वहां पर एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, ये सिर्फ झूठ बोलकर तुष्टिकरण की राजनीति करके सत्ता में आते हैं। इनको दिल्ली की जनता अभी आगे धीरे धीरे पूरे तरीके से नकारेगी। धन्यवाद। तो बात हम जब दिल्ली की कर रहे हैं तो बात भतीजे को हराया हमने, मनीष सिसोदिया के भतीजे को हमने यहाँ से हराया है और पब्लिक के सामने ये बात क्लियर हो गई है कि खालिस्तान समर्थक उनको फंडिंग करते हैं, जिसके कारण उनकी छवि धूमिल हुई है और वो एक झूठी पार्टी है। और आप जैसे प्रेस वालों ने उसका जो झूठ पब्लिक के सामने लाया है, हम आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बात हम जब आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं तो दिल्ली के बाद पंजाब की भी बात होती है और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो हम सर से पूछेंगे कि आखिर ये जीत किस तरीके से आप इस जीत का जश्न मना रहे हैं? ये सच्चाई की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी के जितने झूठे वादे थे, उनकी पोल खुल गई है, लोग समझ गए हैं। आम आदमी पार्टी की झूठ के पोल खुल गई है, लोग समझ गए हैं सच्चाई क्या है। और ये जो आज जीत हुई है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों की जीत हुई है। बात एक नाली या गली साफ करने की नहीं होती, बात एक बड़ी पार्टी की, बात एक बड़ी सोच की है और बात एक सिक्योरिटी की है कि हम किस पार्टी के माध्यम से आज हमारा हिंदुस्तान सिक्योर है। आज हमारे को एक नली और नाली और गली से सोच बड़ी करनी चाहिए और हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री आज हमारे हिंदुस्तान को कहां से कहां ले गए हैं। मैं एक बार अपनी तरफ से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यशपाल कैंथोरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक बुराई पे आज अच्छाई की जीत हुई है। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, आप कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। मैं कहता हूँ केजरीवाल से निकम्मा इंसान नहीं है। आज देखो, केजरीवाल जब कांग्रेस को 370 पेजों की फाइल लेके हाथ में घूमते थे, शीला दीक्षित, आज तक तो वो केस दर्ज नहीं हुआ। ये बोलता था कि मैं विदाउट सिक्योरिटी घूमूंगा। पंजाब जीतने के बाद इसने 95 कमांडो मंगा के क्यों रखे हुए हैं? क्या दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी इसको कम थी? ये इतना ही अपने आप को इनसिक्योर फील करता है? ये एक झूठ आदमी है, झूठ है, फ्रॉड है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक झूठों का पलंदा अपने जनता के सामने परोसता है। मैं तो जनता से भी अपील करूंगा कि भाई दिल्ली को देख लो, पंजाब को देख लो, पंजाब की क्या हालत कर दी आज की डेट के अंदर। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है, काम धंधा एकदम जीरो हो चुका है। भगवंत मान जिस दिन का मुख्यमंत्री बना है, पंजाब के अंदर रुकता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? वहां भी डिक्टेटरशिप चल रही है केजरीवाल की। और मैं तो ये समझता हूँ, आप पंजाब को देखते हुए जिन जिन राज्यों में भी आज चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जितनी दूरी बनाओगे उतने अपने राज्य की तरक्की पाओगे। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, बीजेपी ये कह रही है कि भले ही आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की हार है, तो कैसे हार है ये देखिए। ये मैं आपको फिर मैं वही बात बोलूंगा,
आज बात काम की आती है। बीजेपी पहले भी एमसीडी में थी, आज दोबारा बीजेपी बहुमत के बहुत नजदीक है। हो सकता है शाम तक भगवान कृपा कर दें कि बीजेपी की दोबारा सरकार बने, लेकिन जब दोबारा रूलिंग पार्टी जीत के आती है, इट मीन्स कि उन्होंने काम किया है, उनकी नीयत खराब नहीं थी, सबसे बड़ी चीज। तो ये सब चीजें हैं जिसको देखते हुए दिल्ली की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। मैं पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये बताइए, केजरीवाल कह रहे थे कि 20 से भी कम सीटें बीजेपी की आएगी, लेकिन यहाँ तो 100 पार है। मैम, जो केजरीवाल जी है वो आपको पता चल गया होगा कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उनका लालच जो था ना, कूड़े का ढेर, ये वो। और सबसे बड़ी बात तो ये, 8 साल में उनसे ही यमुना की सफाई नहीं हो पाई है ना, तो वो भी तो 8 साल से है ना। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी से भी कूड़े का ढेर साफ नहीं हो पाया। मैडम, मैं जग के कह रहा हूँ कि बीजेपी का केजरीवाल क्या, कोई भी आ जाए, कूड़े का ढेर गौतम गंभीर जी ने हमारा, उसकी हाइट नीचे करी है, ठीक है। गौतम गंभीर जी के पास जाके पूछिए, उन्होंने, बल्कि केजरीवाल तो हमेशा जो है ना, उसको एक मुद्दा चाहिए, हमेशा जीतने के लिए एक मुद्दा चाहिए उसको। कूड़े का ढेर तो उसने मुद्दा बनाया था, जो उसका नहीं चला, ठीक है, ना चलेगा कभी, ठीक है, झूठ का खिलाफ मैडम कभी नहीं। 230 सीट का दावा कर रहे थे केजरीवाल। मैम, केजरीवाल तो कुछ भी कहेगा, लेकिन जो होता नहीं है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ये मोदी जी की जीत है, 130 करोड़ देशवासियों की जीत है, ठीक है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, पूछेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं बीजेपी की इस जीत पर। सर, आपके भी एमसीडी के खत्ते हैं, उन सब पे मशीन लगी हुई है कूड़ा डंप करने के लिए, और उसको केजरीवाल ने नहीं देखा। 20 मीटर कूड़े के जो पहाड़ हैं सब डाउन हो चुके हैं, उसको टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी ला चुका है, लेकिन उसे विदेश से टेक्नोलॉजी लानी है, क्योंकि उसको फिर पैसा खाना है, उसने फिर यही हाल करना है। केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी की तो सिर्फ 20 सीटें आएंगी, ये तो 100 पार है। ये तो वो कई बार कह चुका है, वो तो गुजरात से भी भाग गया है इस चक्कर में, वो तो हिमाचल में भी जीरो रहेगा। वो झूठा आदमी है, झूठ की राजनीति नहीं चलती, समय लगता है। पहले हमने कांग्रेस मुक्त का भारत किया है, अब हम आस्प मुक्त भारत करके दिखाएंगे। सर, आम आदमी पार्टी बोल रही थी कि बीजेपी, सर आम आदमी पार्टी बोल रही थी कि बीजेपी की 20 सीटें आएंगी, यहाँ तो 100 पार है। वो नंबर एक झूठा है, उसका कुछ नहीं है, बस जो कुछ वो कहेगा वो उल्टा ही कहेगा, बस ठीक है। सर मेरा एक सवाल। आम आदमी पार्टी ने ये कहा था, केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी जो है 20 सीटें ही जीत पाएंगी। आप देख रहे हैं रिजल्ट अभी आ रहे हैं, और शाम तक आप देखना हमारी सरकार भी बनेगी। आम आदमी पार्टी का तो खाली हवा बनाने का वो है। गुजरात और हिमाचल में कल रिजल्ट आने वाले हैं, आप देखना उनकी सारी सीटों पे जमानत जब्त होगी। 230 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली थी क्या? ये तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का पब्लिक स्टंट है, वो हमेशा हर जगह यही कहते हैं, झूठ बोल के ही उन्होंने राजनीति की है। धीरे धीरे दिल्ली की जनता को समझ में आ रहे हैं, और जिस तरीके से हमने मनीष सिसोदिया को सीट पर हराया है, ये इसका प्रतिबिंब है कि मनीष सिसोदिया का जादू अब खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारे इलाके से चंत्रा जी जीते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, हम इनके पूरी सपोर्ट करते हैं। हमारे जो नेता जी हैं सर कालका जी, सिरसा जी, वो आए, उन्होंने हमें कुछ गाइड किया, गाइडेंस किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम इसलिए घूम के, मैं कह नहीं, जहाँ सिरसा जी बोले, कालका जी बोले, कुछ हमारे ये नेता पविंदर सिंह पुल्लर जी हैं, बस हमने पूरा साथ दिया जी इनका। केजरीवाल दावे बहुत करते हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल दावे बहुत करते हैं, लेकिन जनता का ये कहना है कि भरोसा नहीं किया जा सकता। मैडम, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ये नतीजा सामने आ रहा है जी, आप लोगों को सब नजर आ रहा है, पब्लिक को, पब्लिक आजकल समझदार है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। बीजेपी की जीत में शामिल है कुछ नेता, सर क्या कहेंगे बीजेपी की जीत पर? मोदी जी की जीत है जी, केजरीवाल का जादू चला नहीं, वो कहाँ चलता है, झूठे वादे जितने मर्जी गिरा लो, जो मर्जी, मोदी जी है, मोदी जी की बात ही कुछ नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि कुछ जो नेता हैं, चाहे फिर वो बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हो या कुछ और नेता हो, उनके समझाने के बाद वो यहाँ आए, उन्होंने अपना विचार बदला, और इस तरीके से एमसीडी चुनाव में बीजेपी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। तो लगातार जीत का ये जश्न की तस्वीरें दिल्ली के पांडव नगर से, जहाँ बीजेपी का पार्षद चुना गया है।